शुभ्रतामयि श्रियचरणिकरा व्याप्य भीर्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांष्टभीष्टान् पुनरपि भीषणोभाषितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वहितमधुरम् मायया भोजयन्नो माया सङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्न तपोऽस्मि। अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के आगम प्रकरण पर विचार करते हुए भगवान तो पहला छह मंत्र ऊपर जो कारिका लिखा गया है उसमें सातवां कारिका में ना छठा कारिका में चल रहा है सातवां प्रश्न छठा कारिका में क्या कहा है कि यहाँ पे पहले तो बोल करके आए थे कि तीन धाम मतलब तीन अलग अलग स्थान जागृत स्वप्न सुषुप्त और तीन धाम में भोक्ता अलग अलग है ईश्वर तेजस प्राज्ञा परंतु इन सभी के अंदर अनुसूचनाएं अकेला इस प्रकार जानने वाले के व्यक्ति क्या होता है तो कोई का पापी कर्म फल भोग के द्वारा ले पाए मान नहीं तो एक ही तत्व तो सबको जो बनाते हैं वो सत्य रूप में बनाते हैं कि असत रूप में बनाते हैं अथवा सत्य है कि असत है कार्य इसको निर्णय करने के अगले पूरे थे प्रभव सर्वभावानपेक्षा प्रभव सर्वभावानां सतामिति निश्चयः सर्वं जनयति प्राणः चेदोऽहं शुद्धपुरुषः। यहाँ पे बोल रहे हैं विद्यमान वस्तु की ही जो है अभिव्यक्ति होती है विद्यमान वस्तु की अभिव्यक्ति से कहना अभिप्राय है कि रज्जु के ऊपर जो सत्य दिखाई पड़ते हैं उस रज्जु में अभिव्यक्त होना संभव है भूचित्र माला दंड जलधारा ये रज्जु में ही होना संभव है ये सुक्तिका में होना संभव नहीं बालू में पानी की भ्रांति होना संभव है वहाँ पर चांदी की भ्रांति होना संभव नहीं है। इस प्रकार से मतलब कल्पित वस्तु भी सब अधिष्ठान के बिना भ्रम नहीं हो सकता अधिष्ठान के ऊपर ही भ्रांति वस्तु का कल्पना होता है। अब क्या है इसको इस प्रकार से जो बीज अवस्था है वही सारा वस्तु को उत्पन्न करते हैं। तो भगवान बोला था कैसे भगवान बोला रज्जु सर्पादिना अविद्या कृत माया बीजो उत्पन्नाना वेरी सिग्निफिकेंट। इस अभी तक मैं धीरे धीरे करके एक एक चीज आपके सामने हरि ओम चलो कोई ऐसे ही चलेगा तो क्या होता है जो भगवान भाष्यकर यहाँ पे बोला ना कि रज्जु सर्पादीनाम अविद्या कृत माया बीज उत्पन्न ब्रह्म से माया कोई एक भिन्न वस्तु का हमको मानना पड़े तब क्या हो जाएगा कि हमारी अद्वैत लाइट आ जाएगा दिखाई इसमें एक टॉर्च होता है लाइट आज क्या है लाइट चला गया ना तो मेरे को अपने टॉर्च लगाना पड़ रहा है यदि आपको सुनाई तो देगा देखने को हो सकता है दिखाई नहीं सकता कि हाँ नहीं इसको और टॉर्च को तो ऐसे ही रखना पड़ेगा आपका चेहरा नहीं दिखेगा तो देना ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्या बोलते हैं रज्जु सर्पादीनाम अविद्या कृत माया बीज उत्पन्न ठीक है तो हमारे ऐसा लगता है कि उत्पत्ति के लिए ब्रह्म निर्गुण निराकार निर्विशेष एक अलग कोई तत्व माया को ढूंढ के लाता है। यदि हम कोई अलग तत्व माया को ढूंढ के अच्छा
शॉर्ट सर्किट में हाँ ठीक है चला तो ये जो यहाँ पे बोला गया तो हमारे पास ब्रह्म अलग और उससे भिन्न करके माया एक अलग वस्तु हम सोचते हैं उनका शक्ति के रूप में बोलो कुछ भी बोलो परंतु वास्तविक आप बताइए कि जब हम कहते हैं कि ब्रह्म के ज्ञान से जीव मुक्त होता है ठीक है ना यानी कि ब्रह्म की अज्ञानी बंधन कहते हैं यानी कि जो माया जो है ना ये अज्ञात तो ब्रह्म को ही माया शब्द के द्वारा बोला जाए समझ में आ रहा है अभी वेदांतिक सिद्धांत तो वो माया नामक कोई अलग वस्तु हम कल्पना नहीं करते ये जो अधिष्ठान तत्व की अज्ञान है यही माया शब्द के द्वारा बोला जाता है समझाना पड़ेगा लोग को क्यों हम हमें क्या दिखाई पड़ता है कि अधिष्ठान तत्व की ज्ञान से भ्रांत वस्तु मिट जाते हैं ये तो हमको दिखाई पड़ते हैं रज्जु की अधिष्ठान रज्जु रूपी अधिष्ठान की अज्ञान के कारण ही हम रज्जु में सर्प जलधरा माला भूछिद्र दंड कई कल्पना कर लेते हैं ठीक इसी प्रकार ही अधिष्ठान रूप अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण ही हम क्योंकि अधिष्ठान तो व्यापक है इसलिए चतुर्थ भुवन की कल्पना से लेकर के लोग लोग सब कल्पना हो जाती है इसलिए अज्ञात ब्रह्म ही माया का अधिष्ठान है परंतु सीधा सीधा बोलेंगे तो पहले बोले माया तो शास्त्री ने बोला कि बोला वेदांति मायावादी नहीं है वेदांति तो ब्रह्मवादी है केवल ब्रह्मवादी हम ब्रह्म को सिवा कुछ भी नहीं बोलते हैं ज्ञात ब्रह्म मुक्ति के हेतु है जीवन मुक्ति का और अज्ञात ब्रह्म ही ब्रह्मवादी है इसलिए एक चीज हम ठीक है और बताया था कि उसके अंदर से जो भी वस्तु का हम कल्पना करते हैं जिन जिन वस्तु की हमने कल्पना की उन कल्पित वस्तुओं में अधिष्ठान की हर चीज़ को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य नहीं है क्योंकि अधिष्ठान तत्व की यदि ज्ञान हमको पूर्ण रूप से हो जाता तो कल्पना कौन कर रहा है मैं तो कर रहा हूँ बैठ बैठ तो हम किसी चीज़ की जितना हमको ज्ञान उतना हम है करके हमको पता लगता है फिर बाद में ठीक है मैं चेतन हूँ तो किसी किसी में चेतन होता कि अपने अभिव्यक्त उसी में नहीं होता हम आनंद चाहते हैं तो अपने में आनंद चाहते हैं गुस्से आनंद में नहीं मैं नहीं चाहता हूँ मैं आनंद तो अपने अंदर पर धीरे धीरे जैसे इस व्यापकता का हमको समझ में आता है कि अधिष्ठान व्यापक अधिष्ठान की अज्ञान ही हमारे माया शब्द की तरह कहा गया है व्यापक अधिष्ठान की ज्ञान जो सच आनंद स्वरूप है जैसे जैसे हमारा उनके प्रति निष्ठा बढ़ती जाती है हम उसके प्रति हमारा मतलब ज्ञान बुद्धि साफ होता जाता है स्थिर होता जाता है तब धीरे धीरे वही चीज़ वहाँ से सत्ता स्फूर्ति आनंद तीनों की अभिप्राय ठीक है ये फंडामेंटल वैदांतिक सिद्धांत ध्यान रखने से माया शब्द प्रयोग करने वो करेंगे उसमें कोई अच्छा अब जो है सृष्टि कैसे हुए थे बोले कि जैसे सूर्य की किरण ये चिदाभास जो है एक चैतन्य का किरण जैसा है चिदाभास जीव जैसे सूर्य की किरण जैसे नहीं है एक एक जीव एक किरण जैसा फलत क्या हो गया किरण सूर्य से अलग नहीं है फैलता है परंतु अलग नहीं है अब बताइए सूर्य अस्त हो गया किरण रह सकता कि नहीं रह सकता है नहीं रह सकता है सूर्य अष्टम से अंदर मतलब क्या हो गया मैं अगर नहीं हूँ तो क्या इंद्रिय शरीर मन बुद्धि व्यापार कर सकते हैं किसी भी समय व्यापार नहीं कर सकते इसलिए क्या हो गया कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि नहीं रहने पर भी इस समय हमारे यहाँ पे किरण नहीं दिखाई पड़ती उस समय सूर्य का अस्तित्व है परंतु सूर्य ना हो और किरण हो ये होना संभव नहीं है इस प्रकार मैं हूँ क्योंकि यहाँ पे भगवान भाष्यकार क्या बोले थे कि ते चेतो अंशुम रवेश चिदात्मकस्य पुरुषस्य रवि सूर्य जो चैतन्य स्वरूप है और जो क्या है जो पूर्ण है इस प्रकार चेत रूप जल अर्क समान वो एक चेतन रूप है और वो जल में सूर्य के जल में सूर्य की किरण की प्रवेश के समान ठीक है ना और किस अलग मैं कल बताया था अलग अलग जलपत्र और अलग अलग जलपत्र में अलग अलग जल की स्थिति जल की स्थिति कोई जल हिल रहा है कोई जल गंदा है इस दोनों को लेकर के यहाँ पे प्राज्ञ तेजस विश्व भेदे न देव तीर्यक देहादि देह देह भेदेशु विभव ममाना चेत अंश
ठीक है ना, इसको यहाँ पे चेत अंशु की तरह कहा गया है। जे जो ईश्वर है तान, इन सभी को पुरुष एक चेतन तत्व पृथक, यहाँ पे पृथक मतलब अलग, एक चेतन एक जड़। मैं बताया था आपको कल कि दो प्रकार से परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति जड़ात्मक है, परा प्रकृति जीवात्मक चेतन है। इसके तरह पूरा एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि तिपद, समस्त सृष्टि के पीछे ही योनि है, यही कारण है। पीछे हमें बोलते हैं कि विषय भाव विलक्षणान अग्नि विष्णु लिंगव संलक्षणान च, विलक्षण कुछ सृष्टि करते हैं कुछ संलक्षण सृष्टि करते हैं, जल अर्कवत च मतलब अभिन्नता को दिखाने, जल अर्कवत को शब्द कहा गया, जीव लक्षणान इतरान जीव के द्वारा लक्षित होता है, सर्वभावान सर्वभावान प्राण बीजात्मा जनयति, प्राण जो बीज रूप में है वही सब चीज उसमें से सब कुछ अभिव्यक्त होता है, जनयति मतलब पैदा करते मतलब उसमें से सब अभिव्यक्त होता है। कल टीका हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, टीका में देखिए कि भेदधीस्तु तेषाम उपाधि भेदाद इति आह, ठीक है ना, तेषाम चिदात्मकात् पुरुषात् तत्तत् भेद अभावम विवक्षित, ठीक है ना, तेषाम मतलब भावानाम, तेषाम भावानाम चिदात्मकात् पुरुष चैतन्यमय पुरुष से तत्तत् पेज पट्टी में पारमार्थिक दृष्टि से भेद अभाव उसमें कोई भिन्नता नहीं है, किसी को मन में रखते वे बोले थे जल अर्क समाह। तो भेद हमको दिखाई क्यों पड़ता है, भेद धिस्तु तेषा उपाधि भेदा, सूर्य के किरण सभी जल में एक ही प्रकार एक ही सूर्य के किरण पड़ा, परंतु अलग अलग प्रकार के मतलब पात्र के अनुसार और अलग अलग जल की स्थिति के अनुसार वहाँ पे जो सूर्य कहीं बड़ा कहीं छोटा कहीं हिलता हुआ कहीं दिखे आप धीमा दिखाई पड़ता है, ये सब उसी के लिए होता है। इसलिए उपाधि भेदा पृथक, यहाँ पे बोलते हैं भेद थी माने जो भेद बुद्धि होता है वो तो उपाधि की भिन्नता के कारण इस प्रकार आकाश में होता है, उपाधि भेदत इति आह, उसी को मन में रखते बोले थे कि प्राग्मत यद विश्व भेदेन देव तिरजगदि देह भेदेश विभवमाना चेत अंशव जे तान पुरुष, क्या बोलते हैं पृथक, पृथक इति सुचितम पुरुषस्य जीव सर्जने हेतुम कथयति, पृथक इस शब्द के द्वारा देखो पृथक सुचितम हेतु, इसके द्वारा जो हेतु को कहना चाहते हैं, हेतु क्या है, उपाधि की भिन्नता के कारण पुरुष भिन्न भिन्न रूप में दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए बोलते हैं सुचितम हेतु पुरुषस्य जीव सर्जने, पुरुष को जो है जीव की सृष्टि में क्या है अपने आप अपनी कल्पना कर रहे हैं बस, और तो कुछ है नहीं। यहाँ पे हेतु को कहते हैं विषय भाव विलक्षणान, चेतन रूप में क्यों सृष्टि करते हैं, विषय में जो जड़ भाव है उससे विलक्षण होता है जो चेतन तत्व होता है, इसलिए बोलते हैं विषय भाव विलक्षणान अग्नि विस्फुलिंगवत, अग्नि से विस्फुलिंग अलग रूप में दिखाई तो पड़ते हैं इसलिए बद बोला, परंतु वास्तविक विस्फुलिंग के अंदर भी वो अग्नि के अंदर जितना सामर्थ्य है उतना सामर्थ्य है जलाने की, है ना, ये आप कहना चाहते हैं कि अग्नि विस्फुलिंगवत सतलक्षणान जलार्कवत, सतलक्षण क्यों बोलते हैं, जितना सामर्थ्य हमारे इसमें अग्नि में है उतना ही सामर्थ्य चिंगारी में है, और विश्व जलार्क बात मतलब क्या है, भिन्न नहीं है, भिन्न दिखाई देने पर भी जैसे अग्नि और चिंगारी भिन्न दिखाई पड़ते हैं, परंतु ऐसा दिखाई देने पर भी वहाँ पे भिन्नता नहीं है, तो जल के अंदर सूर्य प्रवेश होने पर सूर्य से जल के अंदर सूर्य को भिन्न प्रवेश प्रवेश आपके सामने कोई एक माया शीशा रख दिया तो आपको लगेगा सामने एक वस्तु उत्पन्न हो गया, बाकी वस्तु को कहते हैं चाहे प्रतिप्रतिति मात्र। इसलिए टीकाकार बोलते हैं पृथक इति सुचितम पुरुषम जीव सर्जने हेतु कथे, इसके ऊपर दो नंबर टिप्पणी कल हम एक बार पढ़ लिए थे, मैं बोला था इसको दोबारा पढ़ में देखिए, हेतु पुरुष कर्तिक जीव सर्जने, पुरुष मतलब ये पूर्ण व्यापक चेतन तत्व के द्वारा जो जीव की सृष्टि की गई है उस विषय हेतु उपहित उपहित प्रधान स्वरूप आत्मक उपादान, मतलब उपहित में उपाधि के साथ मिलकर के जो दिखाई पड़ता है हेतु क्या है, उस उपाधि के साथ मिलकर के ही मैं समझ में आऊंगा पूर्ण तत्व व्यापक तत्व वो एक उपाधि मतलब जीव को क्यों सृष्टि करता है, क्यों सृष्टि करता है क्योंकि उसी के माध्यम से मैं समझ में आऊंगा, मुझे समझ में नहीं आऊंगा, उपहित होकर के मैं समझ में आऊंगा, उपाधि के बिना मैं समझ में नहीं आने वाले, ये इसलिए उपहित प्रधान हो गया, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे पुरुष कर्तिक जीव सर्जने हेतु उपहित प्रधान स्वरूपात्मक उपादान, उसमें क्या उपहित प्रधान होकर के उसका उपादान है, मतलब उसमें वो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, इति अर्थ तद ही पृथक इति अनैन समसूचित, इसलिए वहाँ पे जो उपाधि इससे पृथक है इस प्रकार से सम्यक रूप से सूचित किया, समसूचित ये पैसिव लुंग है, लुंग लकार पैसिव है, संभव रूप से सूचित किया गया है। अभी जड़ सर्जन उपादान उपाधि प्रधान स्वरूपा, जड़ सृष्टि के जो उपादान जिसमें मतलब उपाधि की प्रधानता की स्वरूप है मतलब मुख्य है,
अस्य पृथकता, तो उपाधि अलग अलग, उपाधि के अब क्या हो गया, उपहित होते हुए भी उपाधि के माध्यम से उपाधि अलग अलग है, तो उपहित भी परिच्छिन्न जैसे प्रतीक हो गया, यही अभिप्राय। परंतु उसके इसीलिए पुरुष शब्द प्रयोग कर पूर्णत्वात् पुरुष, इसलिए इसलिए अपने आप संक्षेप में इसको समझा रहे, उपाधि प्राधान्येन जड़ सर्जनम। जड़ की सृष्टि में क्या होता है, उपाधि की प्राधान्यता होती है, और चित्त प्राधान्येन जीव सर्जनम, ठीक है ना। जड़ जड़ मतलब क्या हो गया आपका, उपाधि के जिस समय प्राथमिक उपाधि के बिना उपहित समझ में नहीं आएगा, मतलब निर्विशे समझ में नहीं आएगा, उपाधि प्राधान्येन जड़ सर्जनम। और जीव मतलब परिच्छिन्न रूप में जो दिखाई दे रहा है चिदाभास, वो क्या है, वहाँ पे चैतन्य की प्राधान्यता है, इसलिए एक को परा प्रकृति बोला, एक अपरा प्रकृति बोला, अपरा प्रकृति जड़ात्मक है, परा प्रकृति चेतनात्मक है, मिलकर के सृष्टि दिखाई देती है। अच्छा, आप उसी को टीकाकार देखिए अगले, यथा अग्निना समान रूपा विस्फुटिका में, है ना, यथा नीचे से चौथा पंक्ति राइट हैंड कॉर्नर, यथा अग्निना समान रूपा विस्फुलिंगा जन्यन्ते, जैसे अग्नि के साथ ही, अग्नि के साथ ही उसका समान धर्म वाला चिंगारियाँ उत्पन्न होती, जैसे आपने अग्नि जलाया उसमें से आपका धुआं चिंगारी अंगारी सब निकलते जन्य थे, तथा उसी प्रकार से चिदात्मना समा, उस प्रकार चित्त स्वरूप पुरुष से समान स्वभाव एक ही स्वभाव वाला जीवा मतलब चिदाभाषा तेनो उसके साथ साथ उत्पन्न होता है, उसके साथ साथ उत्पन्न होता है। ये पंक्ति को ध्यान देना, यथा अग्निना, जैसे अग्नि के साथ, अग्नि के द्वारा नहीं, अग्नि के साथ साथ, जैसे आपने कहीं पे अग्नि को जलाया, जैसे अग्नि को जलाया तो वहाँ से धुआं निकलने लगा, धुआं निकलने लगा, चिंगारी भी निकलने लगे, अंगारी भी एक निकाल के बाहर आता है, तो अग्नि नहीं जलाएंगे तो नहीं निकलेगा, इसी नाम पे बोलते हैं अग्निना समान रूपा, जैसे अग्नि का स्वरूप है ऐसा ही चिंगारियों का भी स्वभाव। अच्छा, विस्फुलिंग कौन है, विस्फुलिंग होता है चिंगारियाँ जन्यंत उत्पत्ति होती है ना, अग्नि के साथ साथ, अग्नि के द्वारा नहीं समझने, अग्नि के साथ साथ ठीक उसी प्रकार से, तथा चिदात्मना समान स्वभाव, वो चित्त स्वरूप जो पूर्ण पुरुष है उसी के साथ उस मतलब चैतन्य समान स्वभाव वाला जीवा तेन उत्पाद्यन्ते, यहाँ पे जो है उस चैतन्य स्वभाव वाले पुरुष के द्वारा कल्पना के उत्पाद्यन्ते है, कॉजुअल फॉर्म है, उत्पाद्यन्ते नहीं है, उत्पाद्यन्ते है ना, तो मतलब हाँ, उत्पन्न कराया जाता है, मतलब उनको समझाने के लिए कल्पना हम कर लेते हैं। विषय विलक्षणत्वात् न प्राणे न बीजात्मना तेषां उत्पादनम, है ना, विषय में विलक्षणता है, विषय मतलब ये विषय ज्ञान का विषय और ज्ञान, ये दोनों में विलक्षण है, ज्ञान का विषय क्या होता है, जड़ होता है, ज्ञान चेतन होता है, इसे विषय विलक्षणत्वात् न प्राणे न बीजात्मना तेषां उत्पादनम, ये जीव के उत्पन्न शुद्ध केवल प्राण से नहीं होता, जड़ है वो, चेतन तत्व से होना संभव, क्योंकि चेतन दिखाई पड़ रहा है, ये उसका विपतेषम उत्पादन, न च उत्पाद्यानाम जीवानाम उत्पादकत् चिदात्मन तत्त्वतः भिन्नत्व, ये मुख्य विद्वत, ये जो उत्पाद्यानाम उत्पन्न किया गया है जो जीवों को, मतलब चिदाभाषानाम चिदानाम उत्पादकत्वात् आत्मन तत्त्वतः भिन्नत्व, जो उत्पादन करने वाला जो उसका जो स्वरूप है उससे पारमार्थिक दृष्टि से उसमें कोई भिन्नता नहीं है, यही मुख्य रूप से यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि जीव यद्यपि भिन्न करके परिच्छिन्न रूप में प्रतीति होते हैं, परंतु पारमार्थिक दृष्टि से वहाँ पे भिन्नता है, इसलिए बोलते हैं न च उत्पाद्यानाम जीवानाम, उत्पन्न हुआ जो जीव उन जीवों का उत्पादकात् जिसने उत्पन्न या जिससे उत्पन्न हुआ, उत्पादक एक हो गया उत्पाद्य, एक हो गया उत्पादक, है ना, तो उत्पादकात् उत्पादन करना चिदात्मन जो चैतन्य स्वरूप है तत्त्वतः भिन्नतम, पारमार्थिक भिन्नता उसमें नहीं है, उसको दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं, जैसे जलपात्र प्रतिबिंबित आदित्यादि ना, जलपात्र में प्रतिफलित हो रहा है जो आदित्य आदित्य आदियों का, जो आदित्य हुआ चंद्रमा हुआ नक्षत्र हुआ आकाश हुआ कुछ भी हुआ, कि जलपात्र प्रतिबिंबित आदित्यादि नाम बिंबभूतात् आदित्यात्, बिंबभूत कौन है, आदित्य, बिंबभूतात् आदित्यात् ततः मतलब उससे उस आदित्य से तत्त्वत भेद अभव, पारमार्थिक भिन्नता की अभाव है, आपको सामने प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, आप बिंब है यहाँ पे, प्रतिबिंब वास्तविक बिंब से के भिन्न पारमार्थिक भिन्न ही नहीं, भिन्नता की प्रतीति मात्र होती है, ये अलग हो गया हमसे, है ना, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि जलपात्र प्रतिबिंबित आदित्यादीनाम, जलपात्र में प्रतिबिंबित जो आदित्य चंद्रमा नक्षत्र आकाश जो भी कुछ हो रहा है आदित्यादीनाम, बिंब भूता बिंब रूप जो आदित्य अथवा चंद्रमा थे उससे ततः उस बिंबभूत से तत्व तो पारमार्थिक दृष्टि से भेद अभाव, कोई भेद नहीं होने के कारण तान विश्वाधीन पूर्व, हम पे पता करते ना, तान विश्वाधीन
पुरुष चित प्रधान जनयति इति अर्थ है ना। वो जो यहाँ पे पहले कहीं पे बोल कर है, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 नीचे से छठा पंक्ति राइट हैंड साइड में देखिए, तान पुरुष जनयति इति उत्तरत्र संबंध मिला। तान पुरुष ऊपर में तान कहाँ पे है ये देखिए भाष्य में, तान हाँ नीचे से तान पुरुष जनयति स्पन्न में है, स्पन्न में 41 में देखिए फर्स्ट लाइन में जनयति ठीक है ना। तान पुरुष तान जनयति पुरुष उस पूर्ण चेतन तत्व उन लोगों को उत्पन्न करता है जैसा इसी को देखा जो पहले बोल करके इसका अन्वय यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अपने आप दिखा रहे हैं कि तान तान कौन है वहाँ पे जो विश्व तेजस प्राज्ञ इन लोगों को इसलिए बोलते हैं तान विश्वाधीन पुरुष चित प्रधान विश्व आदियों को द्वितीय बहुवचन पुरुष इसमें चैतन्य की प्रधानता है वो क्या करता है वो उसको उत्पन्न करता है मतलब उसको अभिव्यक्त होने का मौका। अज्ञान से कल्पना कौन करता है अपने आप पुरुष ही करते हैं। कल्पयति आत्मना आत्मना आत्मदेवो समाया यहाँ पे आएगा कल्पयति आत्मना आत्मना आत्मदेवो समाया आत्मदेव अपने ही माया शक्ति के अपने आप अपने में सारा चीज अपने ही आप कल्पना किया अपने ही आप कल्पना की यही है कल्पित इसलिए बोलते हैं तान विश्वादीन पुरुष चित प्रधान जनयति इति अर्थ उत्पन्न करते ये इसके अभिप्रेत अर्थ हैं। अच्छा आगे क्या बोलते हैं यहाँ पे भाष्य में आते ना यथा ऊननाभि यथा अभी कहाँ का है मुंडक एक एक साथ यथा ऊननाभि और यथा अग्नि क्षुद्र विस्फुलिंग ये बृहदारण्य 2:1-20 अजात शत्रु ब्राह्मण का लास्ट मंत्र है 2:1-20। अच्छा अब जो है यहाँ पे आगे बोलते हैं कि विषय भावेन व्यवस्थितान पुनर्भावान प्राणो जनयति इति तृतीय पद अर्थम उपसंहरति। इस प्रकार से वो जो सर्वम जनयति प्राण है ना एक ओ चेतन रूप में भी है एक ही वस्तु है एक ही वस्तु अनेक रूप में अभिव्यक्त हुआ अनेक रूप में अभिव्यक्त होने के बाद अब उस वस्तु धर्म से कहीं पे केवल मात्र सत्ता की अभिव्यक्ति होती है कहीं पे सच्चित दोनों का अभिव्यक्ति होता है कहीं पे सच्चित अनंत तीनों का अभिव्यक्ति होता है तीनों का अभिव्यक्ति होता है ये वस्तु धर्म है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि विषय भावेन विषय रूप से व्यवस्थितान जो व्यवस्थित है विषय रूप से व्यवस्थित क्या हो गया वहाँ पे वो जो जिसको आप भोग कर रहे हैं है ना पुनर्भाव जो दूसरी पहले क्या चित्त को तो उत्पन्न किया फिर जड़ उत्पन्न किसके बोलते पुनर्भावान प्राण जनयति प्राण उत्पन्न करते हैं। तान बोला था ना तान पुरुष जनयति पहले क्या हुआ था प्राग्म तेजस विश्व भेदन यहाँ पे चित्रणता दिखाई पड़ता उन लोगों को है ना था देव और शरीर क्या हो गया देव तेजस आदि उसका जो शरीर है मतलब विश्व तेजस प्राग्ञ हो गया उपहित चेतन और वो जहाँ पे दिखाई दे रहा है वो शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण से ठीक है इन सभी को क्या होता है उत्पन्न करता है प्राणो जनयति तृतीय पादार्थम उपसंहरति। इस प्रकार से तृतीय पाद में जो कहा गया है उसके वहाँ पे उपसंहार करते इतरान सर्वभावान प्राण बीजात्मा जनयति जैसे कैसे यथा उन्ननाभि मतलब बिना किसी साधन के बाहरी साधन के और सजातीय सृष्टि भी किया विजातीय सृष्टि भी किया सजातीय सृष्टि पृथ्वी से जैसे औषधि उत्पन्न होता है विजातीय सृष्टि पुरुष शरीर में जैसे केशलोम उत्पन्न होता है सभी सृष्टि होना संभव है ठीक है ना। और दूसरा कह दिया था यथा अग्नि क्षुद्र विस्फुलिंग यहाँ पे टिप्पणी दिखाई पड़ रही है 2 टिप्पणी आया आपके पास प्राण ठीक है ना विषय भावेन व्यवस्थितान पुनर्भावान प्राण जनयति वस्तु को विद्यमान वस्तु को प्राण उत्पन्न करता है। यहाँ पे क्या हो गया कि प्राण यहाँ पे उपाधि प्रधान पुरुष ठीक है ना वो पूर्ण तत्व चेतन तत्व उपाधि की प्राधान्यता मतलब अज्ञानी उसको उपाधि तो माया उपाधि अज्ञात चेतन ही आपका सृष्टि के लिए मार्ग बंधन के उपाधि प्रधान प्राण बोला ना यहाँ पे प्राण मतलब क्या हो गया अव्यक्त एक उपाधि प्राण एक उपाधि है व्यष्टि में उसका प्राण क्या है अज्ञान के कारण ही प्राण की सृष्टि होती है प्राण आते हैं शरीर में व्यवहार करते हैं अज्ञान गया तो प्राण भी नहीं है। प्राण मतलब क्या है प्राण मतलब प्राण उपहित चेतन प्राण उपहित चेतन मतलब सृष्टि सृष्टि शक्ति से अन्वित चेतन सृष्टि शक्ति आप कौन सा शक्ति पारमार्थिक सृष्टि मतलब सृष्टि की कल्पना की शक्ति से अन्वित चेतन
उससे जड़ भी दिखेगा अपरिचितम भी दिखेगा, उससे जड़ भी दिखेगा। मतलब सृष्टि शक्ति से अन्य जो चेतन उसके पे प्राण संधान क्रिया शक्ति है उसके अंदर, यहाँ पे व्यवहारिक जो क्रिया उससे क्रिया नहीं है, मतलब संकल्प करने की क्रिया मानसिक क्रिया उसी से उसे, क्योंकि हम अजब बात कर रहे हैं यहाँ, आरमार्थिक सृष्टि तो है नहीं यहाँ पे, तो दिखाई तो देखे दे दाए वस्तु कैसे दिखाई दे, कल्पना से दिखाई दे, जैसे सपने में दिखाई पड़ते हैं, सपने में आपने सारा कल्पना किया, वो सपने कल्पना करने का सामर्थ्य आपके अंदर है कि नहीं, कैसे है, एक मन उपाधि लिया प्राण है तभी जाके दिखाई देगा, प्राण नहीं होगा तो नहीं रहे, प्राण नहीं होगा तो आप कुछ नहीं दिख सकते, सपना देख सकते हैं सपने, मैं यही बोल रहा हूँ कि जो मैं हूँ तभी, मैं मतलब आप मैं हूँ तभी जा करके इंद्रिय सारा व्यापार कर पाते हैं, मैं नहीं हूँ इंद्रिय व्यापार करे ऐसा होना संभव ही नहीं होगा, प्राण तक व्यापार कर संभव नहीं, इसलिए मुख्य रूप से पहले सुषुप्ति अवस्था में केवल प्राण को ही चलते हुए दिखाई दे रहा है, इसीलिए वहाँ पे प्राण शब्दों के द्वारा अभिव्यक्ति तो कहा गया, क्योंकि उसी से सबकी अभिव्यक्ति होती है इस कारण से, इसलिए हमें बोलते हैं ये यहाँ पे थोड़ा घबराहट क्या होता है, यहाँ पे मुख्य रूप से सृष्टि हुआ ही नहीं, सारा हमारे सामने कल्पना है, माया निद्रा जैसे स्वप्नों में दिखाई पड़ता है, ये पहले मन एक्सेप्ट नहीं कर पाता क्योंकि हमारे व्यवहार में इतना हमारा दृढ़ आग्रह बैठा हुआ है, हम तो व्यवहार करते हैं रोज़ एक ही देखो उसमें इतना कैसे हो सकता है, माया निद्रा में सोया हुआ सपना दिखाई दे रहा है, ये मन मानने के लिए तैयार नहीं होता, पहले मानने के लिए पहले तैयार नहीं होता, एक बार बहिराग को तीव्र हो जाए तब ये चीज़ जो है पक्का हो जाता है, बहिराग को तीव्र। अच्छा अब जो क्या बोलते हैं कि टीका में आ जाइए, देखिए ये 6 नंबर पुराण है, चेतन अचेतन अचेतन आत्मकस्य जगत स्वर्गे प्रस्तुते स्वमत विवेचनार्थम मतांतरम उपन्यस्यति। आप देखिए चेतन अचेतनात्मक जो जगत है ना, दिखाई देता है चराचरात्मक चेतन अचेतनात्मक जगत दिखाई पड़ता है, चेतन अचेतनात्मकस्य जगत स्वर्गे प्रस्तुते उसके सृष्टि को यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसमें स्वमत विवेच हमारे सिद्धांतों को पक्का करने के लिए, हमारे सिद्धांतों को स्वमत विवेचनार्थ हमारे सिद्धांतों को विचार पूर्वक निर्णय करने के लिए अनन्यवादियों के मत को हमारे सामने थोड़ा सा रखना है। द्वितीय मतलब आपका ये वैतत्व प्रकरण में आपको हमको लगता है 17 या 18 नंबर श्लोक से लेकर के और 29-30 नंबर श्लोक तक अलग अलग वादियों के अलग अलग सिद्धांत को एक साथ लिख के आप दिया, भगवान भाष्यकार जो आगे बोलेंगे उसके यहाँ भी बोलेंगे, फल्गु प्रयोजनत्वात् न व्याख्यायते, सृष्टि की विषय में चिंता करके कैसे सृष्टि हुआ इसको लेकर के विचार करके अपने दिमाग को थकाओ नहीं, इससे आज तक किसी को लाभ नहीं हुआ, आत्मचिंतन करो ये अपने आप जाएगा, ये अभिप्राय है। फल्गु मतलब इसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसे इसका व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए उसी चीज को जो आगे बोला जाएगा उसको मन में रखते हुए यहाँ पे आगे क्या यहाँ पे क्या बोलते हैं, चेतन अचेतन आत्मकस्य जगत सर्गे प्रस्तुत, जगत की सृष्टि प्रस्तुत यहाँ पे कर दिया गया, स्वमत विवेचना अपने सिद्धांतों को विचार पूर्वक निर्णय करने के लिए मतांतरम उपन्यस्यति, अन्य मत को यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड पदाचर्य हमारे सामने ला करके रख रहे हैं। अभी सृष्टि कैसे हुई, हमने कैसे सृष्टि हुई बोला, अज्ञात ब्रह्म ही सृष्टि के लिए हेतु, अज्ञात ब्रह्म ही सृष्टि के लिए, यही माया ही सृष्टि के लिए। अब दूसरे वादी क्या बोलते हैं, वो लोग इस ब्रह्म तक नहीं जाते हैं ईश्वर तक ही रहते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं उसको लेकर के देखिए, विभूतिं प्रसवं त्वन्ने मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः स्वप्नमायास्वरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता यहाँ पे अन्य शब्द आया हुआ है, मतलब ये अन्य का प्रतिपादक क्या है, अन्य सर्वाधिकरण में आए हुए शब्द और अन्य बहुवचन, मतलब वन ग्रुप ऑफ पीपल, एक कुछ लोग ऐसा कहते हैं बहुवचन है कि मन्यन्ते है ना, तो अन्य प्रथम बहुवचन है। अब ये अन्य कौन है, वेदांती चिंतन वेदांत सिद्धांत को पूरा नहीं समझा पर तो कुछ कुछ समझा, और बाकी इस प्रकार पांचरात्र मत है, आपने ब्रह्मसूत्र में पढ़ा वहाँ पे क्या है, भगवत
उससे क्या होता है, वसुदेव, वसुदेव से प्रद्युम्न अनिरुद्ध है ना, हाँ यहाँ पे संकर्षण, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध उत्पन्न होता है, मतलब वहाँ पे मन इंद्रिय सब उसी से उत्पन्न होता है, इस प्रकार से उनके सिद्धांत है। क्योंकि आपने उपादान कारण उसी को कहा तब होता है, एक ही सब उपादान है, परंतु मतलब परमात्मा से मन और मन से करण है ना, और फिर जो है उससे अहंकार, ये सब जो उत्पन्न होता है परमात्मा से, ऐसा करके हमारे सिद्धांत नहीं है। परंतु ऐसा लोग मानते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, सृष्टि केवल स्वप्नमाया ही रूप है, पूरा हम स्वप्नमाया रूप, मतलब उसको क्या है था मिथ्या दिखाई नहीं देता, सृष्टि है ही नहीं ऐसा। परंतु वेदांतिक ये नहीं है, इसका बीच का सिद्धांत है, बीच का सृष्टि तो हुई नहीं परंतु प्रतीति होती है, क्योंकि अधिष्ठान की अज्ञान, इसलिए तो अज्ञात ब्रह्म हम कारण मानते हैं। तो क्या कुछ कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, ये भगवान की विभूति है, सृष्टि का चिंतन करने वाले, सृष्टि के ऊपर विचार करने वाले लोग क्या बोलते हैं, विभूति प्रसवम, ये सृष्टि जो है जगत क्या हुआ, भगवान की विभूति है। अन्य मन्यन्ते, अन्य के अन्य सृष्टि चिंतक, अन्य सृष्टि चिंतक जगत विभूति प्रसवम मन्यन्ते, जगत जो है परमात्मा के ईश्वर की विभूति है। आप बताइए कि ईश्वर की यदि विभूति है भी तो अपनी विभूति को ख्यापन क्यों करेंगे, कौन है उससे भिन्न, और तो कोई है ईश्वर का क्या प्रयोजन पर, अब तो कामस्य काश प्रिया, वो अपने विभूति को क्यों ख्यापन करना चाहिए। आप बोलेंगे कि अपने आप देखने के लिए, तो अपने आप देखने दो उसको, ये तो पारमार्थिक सृष्टि नहीं है। इसलिए आप ये बोलते हैं विभूति ऐश्वर्य को दिखाना कोई भगवान के काम नहीं है, अपनी विभूति अपने ऐश्वर्य को दिखाना कोई भगवान के काम नहीं है। तो यह पिछले बोलते हैं अपन तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं, इसलिए अन्य शब्द बोलना, वेदांतिक सिद्धांतों को पूरा नहीं समझने के कारण कुछ लोग ऐसा माना, और वो लोग क्या करते हैं सृष्टि चिंता का, सृष्टि को लेकर चिंता करते हैं वेदांतिक सृष्टि को, क्योंकि सृष्टि कैसे हुआ इस बात, इस मतलब सिद्धांतों को जानने से आपका कुछ फल नहीं मिलेगा। शास्त्र ने कहीं भी नहीं कहा सृष्टि के ज्ञान से तुम्हें ये लाभ मिलेगा, परंतु सृष्टिकर्ता के ज्ञान से महान लाभ। इसीलिए सृष्टि चिंतक, सृष्टि कैसे हुआ इसको लेकर के अपने दिमाग में उलझन मत लाओ, सृष्टिकर्ता को चिंतन करो, इसको समझाने के लिए अलग अलग वादियों के अलग अलग मंत्र को दिखा करके अपना सिद्धांत को स्पष्ट करेंगे। मतलब अन्य सृष्टि चिंतक का विभूति प्रसवम मन्यन्ते, सृष्टि क्या है एक ईश्वर की विभूति का ख्यापन है, यहाँ पर विभूति से उत्पन्न। कोई कहते हैं स्वप्न माया स्वरूप है, तो वैसे कुछ लोग कहते बोलते हैं कि स्वप्न रूप है, कोई माया रूप है, इस प्रकार से सृष्टि अन्य ही विकल्पिता, अन्य अन्य वादियों के द्वारा इस प्रकार से विकल्प किया गया है। ऊपर में तो आपका एक्टिव वॉइस में प्रयोग किया, और यहाँ पे पैसिव में प्रयोग किया, स्वप्न माया स्वरूपेति सृष्टि अन्य ही विकल्पिता, कल्पित निष्ठा रूप है, क्लीन धर्म से कल्पित निष्ठा रूप है, सृष्टि स्त्रीलिंग से कल्पिता, सृष्टि नॉमिनल सिंगुलर है, स्वप्न माया स्वरूपा सृष्टि, कोई कहता स्वप्न स्वरूप है, कोई माया स्वरूप है, इस प्रकार सृष्टि के ऊपर विकल्प करते हैं। और ऊपर जैसे बोला अन्य नॉमिनेटिव सिंगुलर है, वहाँ पे कर्ता को तृतीय में किया, वहाँ पे कर्ता को प्रथमा में रखकर, पहला लाइन में देखिए कर्ता प्रथमा में है ना, सृष्टि चिंतक अन्य ये प्रथमा में है, मन्यन्ते क्रियापद है, ठीक है, और विभूति प्रसवम एक्टिव मतलब अपने विभूति से उत्पन्न हुआ है, और यहाँ पे अन्य ही ये तृतीय मतलब कर्ता को तृतीय में ले आया, विकल्पिता पैसिव है, और इसीलिए स्वप्न माया स्वरूप है सृष्टि प्रथमा है, यानी पैसिव प्रयोग, वैसे ही अन्य लोग स्वप्नों तथा माया से समान इस सृष्टि को माना है, ऐसा जो है उनकी कथन। अब भगवान भाष्य का देखिए क्या लिखते हैं, विभूति ही, विभूति मतलब विस्तार, किसका विस्तार है, ईश्वर से, ईश्वर का विस्तार है, सृष्टि रीति सृष्टि चिंतक मन्यन्ते, सृष्टि कैसे उसके ऊपर चिंतन करने के वाला, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, न तो पारमार्थिक चिंतका नाम सृष्टो आदर इति अर्थ, ये बहुत मतलब साधक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्या बोलते हैं, परंतु जो सृष्टि को लेकर के ईश्वर की विभूति, ईश्वर को लेकर के माया मतलब ईश्वर की महिमा को ख्यापन करना चाहते हैं, वो लोग तो सृष्टि ईश्वर से हुआ ऐसा मानते हैं, परंतु न तो परमार्थ चिंतकान, पारमार्थिक स्थिति कैसा है, परम पुरुषार्थ कैसे सिद्ध होगा, शास्त्र जैसे कहा, इस प्रकार चिंतन करने वाले व्यक्तियों का सृष्टो आदर न अस्ति, सृष्टि में आदर नहीं,
दुष्ट चिंतन में उसका मन उलझते नहीं है। अभिप्राय क्या है कि व्यवहारिक चिंता से मन को उठा करके आत्मचिंतन में लगे। भाष्यकार बोल रहे थे कि हमारी कथन नहीं है, सृष्टि कैसे हुआ, सृष्टि के क्या कैसे चलता है, इसमें क्या हुआ, ये सब जानने से क्या लाभ। आत्मचिंतन करने से इस सृष्टि से बाहर चले जाए, अस्तित्व बाहर करने से इस सृष्टि से बाहर, जैसे सृष्टि है ही नहीं यह निश्चय हो जाएगा। इसलिए भगवान स्वयं बिल्कुल कितना स्ट्रेट स्पष्ट निर्देश है, क्या निर्देश बोलता है, परमार्थ चिंता का ना, मतलब परम पुरुषार्थ को प्राप्त मुमुक्षा ना, परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों का सृष्टि में आदर नहीं देना चाहिए। सृष्टि के अंतपति हमारा शरीर भी है, ध्यान रखना, यहाँ तक लाना पड़ेगा। बाहरी सृष्टि के विषय से चिंतन नहीं है, उसी प्रकार ये सृष्टि भी कैसे रक्षा होगा, कैसे चलेगा, इसमें आदर नहीं देना है। ठीक है, अपना प्रारब्ध से चल रहा है, चल रहा है, इसके ऊपर आदर नहीं रखना। ये ईश्वर ने बनाया तो उनके उसकी इच्छा से जैसे चलेगा चलेगा। यह हमें बोलते हैं विभूति विस्तार ईश्वर से, विभूति विस्तार ईश्वर से सृष्टि, ये सृष्टि ईश्वर का विभूति का विस्तार है, ये सृष्टि क्या है, ईश्वर की विभूति का विस्तार है ना। इति सृष्टि चित्त का मन्यन्ते, सृष्टि के बारे में चिंतन करने वाले ऐसा मानते हैं, ये पांचरात्र आदि ऐसा मानते हैं, जगत के नए दर्शन ये हमारे पूर्व मीमांसा जगत को सत्य मानते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनका डर हो गया यदि जगत अनित्य हो जाएगा, वेद को जगत के अंतपाते तो वेद का पुरुषता कहानी हो जाएगी, वेद की अपौत सृष्टि के साथ ही नया सृष्टि होगा। कहीं लिखा है कि वो अपौरुषीय कि नए दर्शन में लिखा है, नहीं नहीं, वेद 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 अब वेद वेद कैसे बोलेगा कि मैं ये देखो भगवान भगवान श्री कृष्ण दशम अध्याय में क्या बोलते हैं, अहम प्रभ सर्वस्व मत सर्व प्रवर्तते न मे विदु सुरगना देवाना महस्य, क्यों नहीं जान पाते हैं देवता लोग मेरे को, क्योंकि मैं उनसे पीछे हूँ, पुत्र पिता की जन्म नहीं जान सकते हैं, इसीलिए कोई देवी देवता मेरा वर्णन नहीं कर पाते हैं क्योंकि देखा ही नहीं, तो कब किसको बोलना पड़ेगा, आप विदुषी हैं, आप भगवान को अपने आप ही बोलना पड़ता है, ईश्वर नहीं वो भी पुरुष कोटि में आता है, वो भी पुरुष कोटि में आता है, पुरुष मतलब केवल मनुष्य नहीं है, पुरुष मतलब कोई व्यक्ति जीव जीव, ये जीव शिष्ट नहीं है, वेद जीव शिष्ट नहीं है, अपौरुष है। आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये ईश्वर की विभूति है, विभूति विस्तार ईश्वर से, तो यहाँ पे देखिए टीका का लिख रहे, ईश्वर से विभूति विस्तार स्वकीय ऐश्वर्य ख्यापनम सृष्टि, क्या है, अपनी ऐश्वर्य को ख्यापन करना सृष्टि, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, जो आप तो काम पुरुष है उसके पास क्या ऐश्वर्य, क्या ऐश्वर्य की ख्यापन, अब यदि कुछ ऐश्वर्य सारा माइक है, सारा माइक है, तो माइक वस्तु का मैं जानता हूँ कि ये आप क्या है, जादूगर जैसे माइक वस्तु को दिखा करके लोगों से पैसा उठाते हैं, जीविका निर्वाह करते हैं, भगवान को ऐसा भी कोई आवश्यकता नहीं है, तो शुद्ध शब्द है, उसमें तो कोई कमी नहीं है, इसीलिए बोलते हैं ईश्वर से विभूति विस्तर स्वकीय ऐश्वर्य ख्यापनम सृष्टि रीति पक्षे, इस पक्ष द्वारा सृष्टि वस्तुत्व शंकायाम पक्षांतर, मतलब तो शिष्य तो पारमार्थिक हो जाएगा, यानी कि भगवान अपना कुछ भी करते हैं, भगवान तो वक्ते जो कहो जाएगा सृष्टि में पारमार्थिकता है, मतलब सत्य सही है सृष्टि, ऐसा इस प्रकार पक्ष प्राप्त होने पर तब दूसरे वादी क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ये स्वप्न माया रूप है, बौद्धवादी लोग कहते हैं बुद्ध से जो स्वाप्निक वस्तु प्रतीति होता है और माई वस्तु की प्रतीति, इसे उतना ही मात्र पारमार्थिक है ही नहीं, थी सृष्टि और नेट विकल्पित है, कुछ कुछ लोग द्वारा ऐसा भी इसको विकल्प किया गया, तो इसलिए ये जो सृष्टि माइक है मतलब पारमार्थिक नहीं है, इस विषय में आप बोला ना श्रुति बात को है कि नहीं, ये देखो श्रुति बात को दिया भगवान इंद्र माया भी बृहदारण्यक उपनिषद और द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण, द्वितीय अध्याय पंचम अध्याय मतलब आपका जो है वो मधु ब्राह्मण, इंद्र माया भी पुरुपमीयते, इंद्र मतलब परमेश्वर अपनी माया शक्ति से है ना, माया के साथ पूर्ण रूपम अनेक रूपम ईयते मतलब प्राप्त होता है, जिस प्रतिष्ठा करते श्रुति बात तो है, ये श्रुति अपने आप बोलते हैं कि वेदांति जगत पारमार्थिक नहीं है, माइक है, ये वेदांत तो थोड़ी वेदांत तो केवल मात्र श्रुति बात ही है, श्रुति ने जो कहा उसी को इकट्ठा करके सामने रख दिया, इतना ही मात्र किया वेदांत, इसलिए बोलते हैं इंद्र मायाभीर पूर्ण रूप ईयते, वहाँ पे एक नंबर टिप, इंद्र मतलब देवता इंद्र नहीं है, इंद्र मतलब ईश्वर उपाधि भी बहु रूप प्रतीयते, ईश्वर उपाधि के साथ अनेक रूप में दिखाई पड़ते प्रतीति होती है, बस इस करते हैं।
फिर आगे और बोलते हैं कि पक्षांतरम सपने कुत सृष्टि चिंतकानाम एतन मतम तत्विदाम एव किम न तत्र आह, है ना। ये सृष्टि चिंतकाना क्या लिखा, सृष्टि के विषय में उलझने वाले व्यक्ति इस विषय में अलग अलग विकल्प करते रहते हैं। कैसे सृष्टि चिंतकानाम एतन मतम, सृष्टि के चिंतन करने वाले ये मत है, ईश्वर के खैर ऐसा क्यों बोल रहे हो, तत्व चिंतन करने वाले भी यही बोलेगा। एक लोग सृष्टि के बारे में विचार करते रहते हैं वो कैसे हो, और कोई लोग पारमार्थिक तत्व के उसके बारे में चिंतन करते हैं। तो तत्व चिंतक लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे क्यों नहीं मानते हो, तब बोलते हैं तत्व चिंतक लोग जो है अतात्विक वस्तु में आदर नहीं दिखाते, सृष्टि को दिखाई दे रहा है सामने परंतु सृष्टि का जो नहीं, सृष्टि के पीछे क्या तत्व है उसको ढूंढने का, उसको ढूंढने का, ये हुआ क्यों, ये हुआ कैसे, ये चिंतन करते हैं। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि कुत सृष्टि चिंतका नाम ए तन मतम तत्विदा में किम न सर तत्ववेत्ता पुरुष को भी ये सिद्धांत क्यों नहीं हो सकता है, तत्र अह न तो परमार्थ चिंतका नाम सृष्टो आदर इति, परमार्थ चिंता करने वाले लोग को सृष्टि में आदर नहीं देते। ऐसा कहना नहीं चाहिए, सृष्टि में तो पारमार्थिक वस्तु है, बोलते पारमार्थिक चिंतन का नाम सृष्टि में आदर नहीं, सृष्टि भी तो पारमार्थिक है, बोलते कहाँ से पता लगा आपको सृष्टि पारमार्थिक है, बोलते आपको दिखाई पड़ता है, देखो श्रुति क्या बोलती, सृष्टि श्रुति तो सृष्टि को पारमार्थिक नहीं बोलती, श्रुति सृष्टि को पारमार्थिक नहीं कहती, इसलिए बोलते हैं सृष्टिर अपि वस्तुत्व, सृष्टि में भी पारमार्थिकत्व धर्म विद्यमान है, सृष्टिर अपि वस्तुत्व मतलब सृष्टि में पारमार्थिकत्व धर्म विद्यमान है, वस्तु चिंतकानाम अपि तत्र आदर भविष्य, परमार्थी चिंता करने वाले व्यक्तियों को भी उस स्थिति के विषय मतलब सृष्टि के विषय में आदर हो जाएगा। क्या बोला, सृष्टि अपि वस्तुत्व, हेतु दे रहा है पहले, पहले हेतु क्या दे रहा है, सृष्टि भी एक पारमार्थिक वस्तु होने के कारण, और ये प्रतिज्ञा वाक्य है, वस्तु चिंतकानाम अपि तत्र आदर भविष्य, प्रतिज्ञा वाक्य है, मतलब पारमार्थिक चिंता करने वाले व्यक्ति का भी सृष्टि चिंता में आदर हो जाएगा। क्यों, सृष्टि भी वस्तु होने के पारमार्थिक होने के कारण, पारमार्थिक चिंता करने वाले परम पुरुषत्व को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति वो लोग भी सृष्टि के लेकर के चिंता करेंगे, क्यों, सृष्टि भी पारमार्थिक वस्तु है। ठीक है, पहले हेतु दे दिया बाद में प्रतिज्ञा को, इतना ही मात्र है कि सृष्टिरपि वस्तुत्वा वस्तु चिंतकानाम अपि तत्र आदर भविष्यति इति आशंक, आपको कहाँ से पता लगा सृष्टि पारमार्थिक है, तब बोलते क्योंकि श्रुति तो ऐसा कहती है, हमारे मनोकल्पित काम में होता है इंद्र मायावीर पूर्व रूप ईयते परमेश्वर अपनी उपाधि, वहाँ पे देखिए अब इंद्र की टिप्पणी में ना आपके पास ईश्वर में एक वकार अधिक लिखा हुआ है, लगा हुआ है, कुछ काट दीजिए टिप्पणी को, देखिए ईश्वर है एक ही बार है, हमारे पुस्तक में दो बार है, मतलब काम को लगता थर्ड एडिशन सेकेंड एडिशन भिन्न होता है, ई दीर्घ ई स्वामी बफला फिर एक वकार लगा हुआ है, वो बखार को काट दीजिए, ईश्वर लिखा हुआ है, ईश्वर उपाधि भी बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, छोटा छोटा शब्द होता है, अक्षर होता है, वो भी यहाँ पे क्या, और ये सामान्य शब्द ईश्वर एक बार देख ले, क्योंकि आप हर एक अक्षर पर ध्यान नहीं देते पढ़ते समय, क्योंकि तब जाकर के करेक्शन होना चाहिए। सृष्टिरपि वस्तुत्वात् वस्तुचिंतकानाम अपि तत्र आदर भविष्यति इति आशंकः, नहीं नहीं सृष्टि पारमार्थिक ने इंद्र मायाभिर पुरुरूप ईयते इति श्रुते, इंद्र मतलब परमात्मा ईश्वर अपनी माया शक्ति से अनेक रूप को धारण करते, इसका अभिप्रेत करते टीका, मायामयी सृष्टिर आदर विषया न भवति इति अत्र दृष्टान्तमः, है ना। आप देखिए, आप दृष्टान्त बोलेंगे, आपने जादू देखने गया, जादू देखने गए मजा लेने गए, अब जादू करने किसी कैसे किसी का पेट काट के फाड़ करके फिर जोर दिया उसके लेकर के दिमाग थोड़ी ख़राब करते हैं, ये तो आप जानते हैं कि आप ये पारमार्थिक तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ उसके संदर्भ उसका या तो हमारे आँख को मान देते हैं अथवा बुद्धि को बांध देते हैं, कुछ करते हैं, मतलब हम ठीक से समझ सोच नहीं पाते। तो ऐसे यहाँ पे बोलते हैं कि मायामयी सृष्टि माइक जो सृष्टि है ना, आदर विषय न भवती, आदर का विषय नहीं होता, इति अत्र दृष्टान्त, इस विषय में दृष्टान्त को दे रहे भगवान भाष्कर। आपको लगता है बचपन में कोई ऐसा जादू को देखे होंगे तब जाकर कैसे देखते हैं, नहीं माया बिनम, भाष्य में नहीं माया बिनम सूत्रम आकाशे निक्षिप्य तेना सायुधम आरूह चक्षु गोचरता अतित्य जुद्धेन खंडस छिन्नम
पतितम पुनरुत्थितम च पश्यता तत्कृत मायादेश तत्व चिंतायाम आदर भवति चिंतायाम आदर न भवति वहाँ से अन्याय होगा क्यों क्योंकि माया बिना मतलब माया जादूगर को एक जादूगर को आपने क्या देखा सूत्रम आकाशे विक्षिप्त एक धागा को ऐसा आकाश में फेंका धागा को आकाश में फेंका ऐसा ऐसा करके फेंका बस अब फिर क्या दिखा रहा है तेन सायुधम आरूह अब उस धागा के सहारे कंधे में धनुष तलवार आदि ले करके उसके ऊपर चढ़ गया उसके ऊपर आरूह चक्षुर गोचरतम आतिथ्य आपका आँख दृष्टि के बाहर चले जाएंगे ऊपर ऐसा जाएंगे कि आपका दृष्टि भी नहीं दिखाई देगा अतीत फिर क्या किया आपको आवाज़ सुनाई दिया ठाट 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 आवाज़ हो रहा है धम गिरा के कोई एक हाथ कट के गिरा कोई एक पैर कट के गिरा कहीं पर सर कट के गिरा युद्ध ना खंड से चिन्हम युद्ध से अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा हो गया पतितम अलग अलग दिखाई दे रहा आपको अचानक क्या हो गया हा हा करके हा करके पूरा शरीर दिखाई देगा इधर बोलते हैं पुनर्उत्थितम च पश्यताम दिखाई देता है तत्कृत माया दी उस वो माया भी का द्वारा किया हुआ जो माया आदि माया और माया के कार्य उसके प्रति मायादि सतत चिंताया आदर न भवति उसकी तत्व को माया तत्कृत मायादि स माया और आदि उसके साथ तत्व मत होते उस पर कोई आदर नहीं दिखाता कौन हम तो मजा लेने के लिए गए देखने की उस देर के थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं वो जानते हैं कि यहाँ पे पैसा दे करके थोड़ा मजा लेने के लिए हम जादू देख के जाते हैं ठीक है अच्छे अच्छा खासा पैसा लेते हैं टिकट तो जाते हैं मजा लेने के लिए कुछ दिन कभी कभी ये भी आता है हाथ यहाँ तक कि काट दिया यहाँ तक कि काट दिया हाँ तो फिर क्या है वो अलग फिर बात कर रहा है फिर अलग उसका पैर चल रहा है फिर ला के जोड़ दिया ऐसा ही कपड़ा हिलाएगा एक लड़की आ गई उसका कपड़ा हिलाया तो एक चिड़िया आ गया हम लोग क्या करते रास्ते को परे पर दिए करते उन लोगों का जो है ये सब बंद उस विषय में कोई आदर नहीं दिखाता ठीक है कुछ देर के लिए मजा है ठीक है आनंद लेते हैं इसीलिए बोलते हैं कि तत्कृत मायादि सतत चिंता आदर न भवती उसके द्वारा किया गया जो माया और माया के अंदर जो माई उसका पीछे कारण क्या है इस विषय में कोई आदर नहीं दिखाता उस विषय में कोई आदर ये तो हम जानते हैं कि पारमार्थिक होना संभव ही नहीं है कि हाथ पैर काट कर गला काट के अलग कर दे फिर आपके साथ बात ही पारमार्थिक होना संभव ही नहीं परंतु इसीलिए उस विषय में इसी प्रकार सृष्टि पारमार्थिक होना संभव नहीं है इसलिए उस विषय को चिंता करके अपने समय बर्बाद मत करो बस पारमार्थिक चिंतन जो अपना स्वरूप है उसको चिंतन करके जन्म मुक्ति के बंधन से छूट लो जन्म होना संभव ही नहीं है इसको मन में यहाँ पे देखिए टीका में लिखते हैं कि मायामयी सृष्टि आदर विषय न भवती इति अर्थ दृष्टांतम दृष्टांतों को दे दिया एक मायावी का दृष्टांत वहाँ पे जो मायादि सतत्व चिंता पे मायादि है ना वहाँ पे लास्ट लाइन में भाष्य में ठीक है ना मायादि सतत्व चिंतायाम आदर मायादि उसके तथ्य से चिंता में आदर नहीं देखते मायादि के आदि शब्द है ना तत्कार्य माया और माया के कार्य में क्या तत्व है इस विषय में चिंता नहीं करते है ना जानते हैं कि जादूगर हाथ पैर कट गया फिर उस पर बात कर रहे हैं मतलब खुद हमको बेकूफ बनाए बस इसको क्या चिंता इसीलिए बोलते हैं मायाधि इसीलिए आत्मा को पहले ही बोला कि ध्यान रखना ये अज्ञात ब्रह्म ही सृष्टि के कारण और मायाधि कुछ नहीं मैं को ध्यान नहीं पाया बस उतना ही ये मायाधि वो जादूगर क्या कर रहा है वो हम नहीं जानते इसीलिए हमको ये सब दिखाई देगा यदि आपको एक बार उसका एक छोटा सा सिप्त से पकड़ में आ जाएगा तो आप कुछ नहीं आपको दिखेगा आप उसका मजा ही नहीं ले पाएंगे इसीलिए आप बोलते हैं मायाधि इति आदि शब्द ना तत्कार जब दृष्टांत निविष्टम अर्थम दृष्टांतिके जो जयति जिस दृष्टांत मतलब मायावी के दृष्टांत के द्वारा जो कहना चाहता है भगवान भाष्कर उसको आज्ञा भी दृष्टांत एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पलीफाई तो दृष्टांत को जो कहा अब उसके द्वारा जो दृष्टांत जिसको समझाना चाहते उसको आज्ञा कहेगा इसलिए बोलते हैं यहाँ पे दृष्टांत निविष्टम अर्थम दृष्टांत के अंदर जो विषय छुपा हुआ है उसको दृष्टांतिक जिसको समझाना चाहते हैं उसमें उसको अन्वय करके दिखाता है जो जयति तथैव अयम माया बिना सूत्रम प्रसार समम ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी मायावी के द्वारा सूत्रों की फैलाया हुआ जैसा मायावीर तथैव अयम माया बिना सूत्र प्रसार समह उसी का समान सुषुप्त स्वप्नादि विकास तद आरूढ़ माया मायावी समस्त तत्स्थ प्राज्ञ तेजसादि सूत्र तद आरूढ़ाभ्यम अन्न परमर्थ मायावी
एक ही सेंटेंस में भगवान भाष्कर का पूरा सिद्धांत समझा दिया। क्या बोलते हैं? तथैव। तथैव मतलब जैसे क्या लिखा है, एक माया भी एक सूत्र को फेंका, उसके ऊपर आयुध लेकर के चढ़ा, ठीक उसी प्रकार अयम माया बिना सूत्र प्रसार सम, माया भी के सूत्र फैलाना के समान। क्या फैलाया? सुप्त सुषुप्त स्वप्नादि विकास, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये माया माया मतलब मायादि के सुषुप्त ये फैलाने के समान हो गया अवस्था। और फिर उसमें उसको ऊपर चढ़ना, तो उसको ऊपर चढ़ते समय एक बार हम प्राज्ञ बनते, एक बार हम तेजस बनते, एक बार हम विश्व बनते, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं सुषुप्त स्वप्नादि विकास तद आरूढ़ माया भी समस्या, उसमें आरूढ़ हुआ माया भी के समान कौन है? तत्स्थ प्राज्ञ तेजस आदि, ये हो गया सूत्र। तद आरूढ़ाभ्याम अन्न, वो जो परमार्थिक जो माया भी है वो सूत्र और सूत्र में जो चढ़ के ऊपर गया लड़ाई करके अलग अलग टुकड़ा, वो दोनों अलग है, वो माया भी तो अलग अलग करके एक जगह पे चुपचाप खड़ा है। जो ऊपर उठा और ऊपर उठ करके लड़ाई करके टुकड़ा टुकड़ा हुआ, जिस प्रकार ब्लैक मैजिक दिखाते आप दिखेगा आपके बगल में जो है भूत प्रेत पिशाच सब घूम रहा है, वो केवल लाइट है, लाइट। और क्या होता है उसमें आपको केवल सफ़ेद वस्तु दिखाई देता है, काला वस्तु नहीं दिखाई देता, केवल उस लाइट ही ऐसा है केवल सफ़ेद वस्तु की प्रकाश करता है, बाकी वहाँ पे उसी जगह पे जादूगर खड़ा है, क्या काला ड्रेस पहनकर। और भूत प्रेत आदि अलग अलग, जैसे आजकल देखना जो रास्ते में एक पर्टिकुलर पेंट करते हैं तो अपना ही गाड़ी का लाइट उसको प्रकाशित करता है और लाइट हमको रास्ता दिखाता है ना। ऐसा बना हुआ है रेलिंग, मतलब जिसमें ऐसा कलर कर दिया अपने ही गाड़ी के लाइट उसको प्रकाशित करके गाड़ी का गाड़ी वाले को रास्ता दिखा दिया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राज्ञ तेजस आदि के रूप में वो जो चल रहा है वो अलग है, उपहित है, और शुद्ध चेतन उससे अलग है। शुद्ध चेतन जो माया भी है जिसने माया इसको फैलाया फिर उसको ऊपर चढ़ा, फेंकने वाला चढ़ने वाला उससे जो अलग माया भी वो अलग है, उसका हाथ पैर कट तो इतना जल्दी थोड़ी जोड़ जाता। यदि माया भी का हाथ पैर कट गया होता तो इतना जल्दी जोड़ करके सामने आ जाता, कभी नहीं हो सकता। माया भी उससे अलग है, माया भी उससे अलग है, वो अलग खड़ा है और दूसरा किसी डमी 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 जो काम करते हैं डमी के द्वारा वो चीज़ काम करके फिर जो है अपने आप हाहा करके आपके सामने पूरा लाइट जला देगा, आपके सामने खड़ा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे बोलते हैं कि सुषुप्त तो स्वप्नादि विकास उसका जो विस्तार ही है, तद आरूढ़ माया भी समस्या और उसके आरूढ़ तत्स्थ उसी में विद्यमान कौन है? प्राज्ञ तेजस आदि सूत्र तद आरूढ़ाभ्याम अन्न परमार्थ मायावी सूत्र, जो जिसको फेंका और उसमें जो मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति और उसमें चढ़ने वाला विश्व तेजस प्राज्ञ वो उससे भिन्न है मायावी शुद्ध चेतन का। तो तू भी कैसे इतना सुंदर सुंदर सूत्र तर आरूढ़ाभ्याम सूत्र और सूत्र को पकड़ करके जो चल रहा था दोनों, सूत्र हो गया आपका जागृत स्वप्न मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति और उसको पकड़ करके चल रहा था कौन? विश्व तेजस प्राज्ञ। इन दोनों से अन्न परमार्थ माया भी, पारमार्थिक जो माया भी है ना मतलब जो तुरीय अवस्था है वो इन तीनों से भिन्न है, उसी के अंदर रहते हुए उसके अंदर से भिन्न है। इसका भी आज हो गया समय, नहीं तो रहती है फिर कल परसों दो दिन अवकाश हो, कल परसों दो दिन अवकाश हो विषयता इससे कर। ये मांडू को कारिका की भाषा समझने के लिए मन को बिल्कुल पक्का करके रखा, अपने आप देखिए कैसा बोल रहा, पूरा जागृत स्वप्न जो व्यक्ति उसमें आरूढ़ होने वाला जो चेतन मतलब प्राज्ञ तेजस सारा ही वही जादू करके समान दिखाई दे रहे आपको, आपको फेंका सुशी उसमें कोई चेहरा वो भी दिखाई दे रहा, परंतु उससे भिन्न है माया मतलब वो परमार्थ की भी परमार्थ तत्व तुल्य शुद्ध चेतन तत्व उससे अलग है, उस चिंतन में आदर हो। आज पहले से शुरू करेंगे अजम अपियनि योगं प्रापदैश्वर्य योगात् अगतिं च गतिमत्यां प्रापदेकं हि अनेकं विविध विषय धर्मग्राही मुद्धे क्षणानां प्रणत भय विहत्रि ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि।